कितना सुंदर नंबर लड़ा के उधर से लाए हैं। अखिलेश भाई, सबसे पहले तो आपसे एक बात जरूर कहूंगा। आप रामू शर्मा जी से कह रहे थे कि तुम्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलने के लिए रामू भैया का नंबर जब आएगा तब आएगा, तुम्हारा सहयोग रहा तो वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन झूठ बोलने में भारत रत्न मिलेगा तुमको भी मिलना चाहिए। मैंने छंद गाया जिसमें दुर्योधन से बलराम जी कह रहे हैं कि जब छोरा और छोरी दोनों राजी हैं तो तू विराज चुनाए कराए रहो। तो एक बात अखिलेश भैया कह रहे कि मर्द तो वो होता है जो सामने वाले को लात का जवाब घूंसे से, थप्पड़ का जवाब घूंसे से दे। ये बिल्कुल बात सही है कि मर्द को मर्द जवाब दे सकता है घूंसे से, लेकिन शिष्य गुरु को घूंसे से जवाब नहीं देता है। क्या बात है। एक टुकड़ा मैंने विश्व कप का गाया, आप उस बात में ही उलट फेर करके चले गए कि साउथ अफ्रीका से मेरी बड़ी भावना जुड़ी हुई है। तो साउथ अफ्रीका जाके रसिया चुनाव गा रहे, इतनी भावनाएं तो, अरे मां जाएगा गाओ रसिया। भावनाएं जुड़ने से खेल क्रिकेट का भावनाओं का नहीं होता है, क्रिकेट का खेल भावनाओं का नहीं होता है, क्रिकेट का खेल मेहनत का होता है मेरे प्यारे। विषय ये नहीं है कि पिछले वर्ल्ड कप में वनडे वाले में इंडिया का भी वही हस्र था, तो जब वो हस्र था तो रो आप भी रहे थे, रो 144 करोड़ हिंदुस्तानी भी रहे थे। लेकिन ये समय का चक्र है मेरी जान, दुख आता है तो उसके पीछे पीछे सुख भी अपने आप आता है। भावनाओं को मत जोड़िए उनसे, अगर भावनाओं को ही जोड़ के बैठे थे तो जब 20वां ओवर था तब तक तुम्हारे भी चेहरे पर हंसी नहीं थी। बात सही है या नहीं है। जब भावना ही जुड़ी थी तो वो जीत जाती, क्या दिक्कत थी, तुम खिलखिलाते। लेकिन सांसें रुकी हुई थी पूरे हिंदुस्तान की 20वें ओवर तक। अब आइए पहर पे, आप कह रहे विजय शर्मा भी गाते थे, ना वो उठा ना मैं उठ सकी। जब इतनी बात पुरानी याद है तो पहर को मतलब पता होना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि आपने मां बेटे के उस पवित्र बंधन को, उस पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। नहीं अखिलेश भाई, इतनी सस्ती रामू शर्मा की कलम नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है बेटे। तुम जो कह रहे हो कलंकित कर दिया, आप इस पहर तक ना आज पहुंचे ना आगे होने वाले 20 दंगलों तक पहुंच पाओगे। 20 दंगल तुम्हारे प्राण जे पहर खावेगी, और 20 दंगल गायबे के बाद जे बन्नो ही बतावेगा तुम्हें कि जा पहर को राज। क्योंकि आप कह रहे हो कि वो मां थी, और मैं कह रहा वो मां से भी एक श्रेणी ऊपर थी। वो उस बच्चे की मां नहीं, उस बच्चे के बाप की मां थी, उस बच्चे की तो वो अम्मा लगती थी मेरी जान। लेकिन बात ये कि गाल बजाओ ज्यादा और गाओ थोड़ो। बार बार कह रहे हो घोड़ा घोड़ी से ज्यादा मजा आ रहा है, घोड़ा घोड़ी से ज्यादा मजा आ रहा है। कौन सा तीर मार गए हो भाई, कौन सा तीर मार गए हो? यही बस कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। आप कह रहे हो कि उन दोगले हिंदुओं का जवाब देना, तो अखिलेश भाई मेरे डीएनए में कमी नहीं है जो मैं दोगले हिंदुओं का पक्ष लूंगा। मेरा डीएनए तो शुद्ध हिंदुओं का है, मैं तो पक्ष हिंदुओं का ही लूंगा। लेकिन आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा, आखिर सत्यता यह है कि चार चार लाइन गा के तुम अपना समय अच्छा पास कर गए हो, बढ़िया ताली वाली बजवा गए हो, कोई परेशानी ना है। लेकिन देखें अब मेरी तरफ से मेरे दूसरे नंबर की।
अनुभव भी मुझसे कम से कम 20 साल पुराना है आपका, और तुम दुर्योधन बन के बात कर रहे हो तो जा नंबर और राजी बाजी ते बात करेगा दुर्योधन ते बलराम, लेकिन अगले नंबर पे दुर्योधन तेरी जा छोरी है जबरदस्ती छोरा के संग ले जाएगो, छोड़ेगो ना काऊ हाल, तू कितनी ताल ठोक बेटा। अब सुने मेरी तरफ से मासा तो एरे तो एक अरब है गयो जायदा, अरे तो गरब है गयो और कोई वो जाद, अरे चो अटको ना। अरे कायतान रहे तोरा तोरी और हम कुआ के दिखाए रहे हो, अरे हर मूसल कर फोरा फोरी मेरे हाथ ते मरे बे। अब एक गीत दर से आया है, तुम्हारा आदेश हो तो कछु चर्चा बहु पे है जाए, जो राम का नहीं है वो किसी बस अबागड़ का है हमारे